पांच बच्चे उस वही होता है जो दानवता को समाप्त कर मानवता के पथ पर चलता है। हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे दुश्मन को भी हमारी प्रशंसा करनी पड़े। इतिहास में एक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब पुराणियों ने आदर्शों के समक्ष घुटने टेके। इनमें हमें सत्य परिश्रम संयम और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए पढ़ते हैं ऐसा ही कुछ ऐसा ही संदेश देने वाली एक कविता। मानवता के आदर्शों का जो सम्मान करे पुरुष वही जो दानवता का मरना मान करे। धरती पर वैसे तो कितने आते हैं जाते हैं, बेले ही अपने जीवन को धन बना पाते हैं। नर होने का अर्थ नहीं है अपेसने को जाना, नर तो वह है दुश्मन मन भी उसका गुणगान करे। जीवन का उद्देश्य नहीं है केवल पीना खाना, सांसों पर अवलंबित होकर ऐसे ही मर जाना। धर्म नीति का अलग जगाते चले निरंतर पथ में, सच्चा नर है वह जो पौरुष का अवदान करे। त्याग धर्म की राह खड़ी है कौरव सेना सारी, किंत अकेला अर्जुन ही था उन पुरुषों पर भारी। दिया सत्य का साथ ईश ने अर्जुन का उस रण में, नर होने का अर्थ सत्य का जो संतान था। लंका नगरी के उन नायक अत्याचारी नर थे, पुरुषोत्तम पे उनके सम्मुख वीर और वानर थे। उखड़ गया रावण का पौरुष आदर्शों के आगे, ऐसा न ही क्या जो ताकत पर अपमान करे। मानवता के आदर्शों का जो सम्मान करे पुरुष वही जो दानवता का मर्दन मान करे। प्रस्तुत पाठ को पाठक जी ने लिख करके ये हमें संकेत बताया है कि पुरुष वही है जो अपने आदर्श का सही रास्ते पर चल करके आदर्शों का सम्मान करे। सम्मान पुरुष वही जो दानवता का मर्दन, पुरुष वही हो जो दानवता या राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का मर्दन मान करे, संघार करे, नाश करे। धरती पर वैसे तो कितने आते हैं, इस धरती पर लाखों आते हैं और चले जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बेले ही कुछ ही अपने जीवन को धन बना पाते हैं। नर होने का मनुष्य होने का अर्थ नहीं है अपेक्षा में खो जाना, बुराइयों में खो जाना। नर तो वह है दुश्मन का मन भी उसका गुणगान करे। नर वही हो जो दुश्मन भी उसका, दुश्मन व्यक्ति भी उसके गुणों का गान करे। जीवन का उद्देश्य नहीं है केवल पीना का, जीवन का ये उद्देश्य नहीं है केवल खान पान करके ही जीवन को समाज को व्यतीत करना, सासों पर अवलंबित होकर, सासों पर ही आधारित होकर के ऐसे ही मत जाना। धर्म नीति का अलग जगाते, धर्म की नीति का जो ज्योति है अलग, निरंतर पथ में चले निरंतर पथ में, सच्चा न रह हुआ जो पौरुष का अवधान करे। सच्चा न वही हो जो अपने पौरुष प्रसाद का अवधान करे, अपने पुरुष को दिखाए। त्याग धर्म की राह खड़ी है, त्याग और धर्म के रास्ते पर राह खड़ी, रास्ते पर खड़ी है। अर्जुन कौरव सेना सारी, कौरव सेना सारी मतलब कौरव की सेना खड़ी थी त्याग और धर्म की राह पर, किंतु अकेला अर्जुन ही था, केवल अर्जुन ही अकेले थे उन पुरुषों पर वाले, उन कौरवों की सेना पर केवल अर्जुन ही सत्कारी योद्धा भारी थी खड़ी। दिया सत्य का साथ, सत्य का साथ भगवान ने, ईश्वर ने सत्य का साथ देकर के अर्जुन का उस युद्ध में साथ दिया। नर होने का अर्थ सत्य का अनुसंधान, नर होने का अर्थ यही है जो सत्य का अनुसंधान करे, खोज करे, अन्वेषण। लंका नगरी के उन्नायक अत्याचारी नर थे, कैसे थे, अत्याचारी थे। पुरुषोत्तम के उनके सम्मुख ऋषि और भगवान राम के पुरुषोत्तम के सम्मुख ऋषि और वानर सेना थे। उखड़ गया पौरुष रावण का पर, इतनी उनकी सेना को देखकर के रावण का पौरुष साहस उखड़ गया। आदर्शों के आगे भगवान राम के आदर्शों के आगे रावण का पौरुष उखड़ गया। ऐसा नहीं क्या जो ताकत पर मान, ऐसा मनुष्य क्या है जो अपने पौरुष तत्व पर अपमान करे, घमंड करे। मानवता के आदर्शों का जो सम्मान करे पुरुष वही जो दानवता का मर्दन कर, पुरुष वही हो जो दानवता राक्षसी की प्रवृत्ति का मान करे, संघार।
नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न इस क्वेश्चन कथा को और उसके लड़ करके उसको याद करो।